तेरा फजल क्या ही अजी मेरे जीवन में पड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, हालिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, हालिम जो है उन पर रहता है तेरा फजल, इस जीवन के लिए काफी है ताकत तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत तंदुरुस्ती के साथ, सेवा करने का फजल दे दे मुझे तेरा फजल, क्या ही अजीम मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, बच गया खतरों से मैं ये भी है तेरा फजल, बच गया खतरे से मैं ये भी है तेरा फजल, सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन ने पा लिया है, सारे पाप मेरे मिट गए हैं, अविनाशी जीवन ने पा लिया है, इससे संभलने का फजल दे दे मुझे तेरा फजल, क्या ही अजीम मेरे जीवन में पड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू फॉर दिस कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस और हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उसने अपना फजल हमको दिया, क्योंकि हम उसके फजल से ही हमारी नजात है, हमारे अपने कामों से हमारी नजात नहीं हो सकती। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस सॉन्ग सिस्टर। अब हम अगला गीत सुनेंगे सिस्टर रीमा से। सिस्टर रीमा जी, आप रेडी हैं अपने गीत के साथ? जी भाई जी, ओके सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई करण भगत भी ज्वाइन कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भाई करण भगत को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर जी, जय मसीह जी, गॉड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और अब जी, सिस्टर सिस्टर जी जय मसीह की, सिस्टर रूप जी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, सारे नु प्रभु दा धन्यवाद। हाँ जी, भाई लेखराज कितने ने बिजी ने किते? हाँ जी ब्रदर जी, हाँ जी हाँ जी, वो सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे बाद। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, प्रभु सारे नु बहुत आशीष दे रहे हैं। तुसी कोई गीत गाना अज? हाँ जी ब्रदर जी, गावांगे। ठीक है जी, ये सिस्टर रीमा कुमार दे तो बाद रीमा रीमा कन्वर है गे ना, वो गा रही है ना सिस्टर जी, तो उस तो बाद तुसी अपना गीत रेडी रख लो। ठीक है ब्रदर जी, ठीक है, ब्लेस यू। सिस्टर रीमा आप अब गीत स्टार्ट कर सकती हैं। जी भाई जी, हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशु प्रभुलाई दिन्छौं, हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा
येशु प्रभुलाई दिन्छ। प्रभु बहुत आशीष देवे एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे गीत के लिए। और प्रशंसा भरा गीत है जो प्रभु के नाम की तारीफ और प्रशंसा हो गए। आमीन। अब हम गीत सुनेंगे सिस्टर रूथ से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, तुसी अपना गीत स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी जय मसीह। गॉड ब्लेस यू सभी ब्रदर सिस्टर को। जहाँ दो या तीन जमा होंगे
तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रू अपनी भेजू तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगारी भेजू तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगारी भेजू यीशु के बिना ये कब है बात कही किसने, यीशु के बिना ये कब है बात कही किसने, यहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रू से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया, रूहे पाके जो हाजिर है और के है खुश मादी, रूहे पाके जो हाजिर है और के है खुश मादी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमजीद, रू के छोले बरसेंगे जब फिर बदने लगे जलने, के छोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, यहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, और यहाँ दो या तीन जमा होंगे मैं हूँ हाजिर उनमें, तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया तारीफ हालेलुया हालेलुया या हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने कहा जब दो या तीन इकट्ठे होंगे मेरे नाम में मैं उनके बीच में होऊंगा,
और हम तो यहाँ दो या तीन से ज्यादा हैं, तो हमारे बीच में भी प्रभु है। और प्रभु का बीच में होने का मतलब ये है कि हमारे बीच में वचन है और वचन की सहभागिता हम करते हैं। तो जब हम वचन की सहभागिता में रहते हैं और वचन की बातें करते हैं तो हम प्रभु की बातें करते हैं, क्योंकि प्रभु ही वचन है। तो इसलिए ये गाना बड़ा अच्छा था, बहुत मौके के हिसाब से और समय के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा गाना था, बड़ा एनकरेजिंग गाना था, उत्साह कराने वाला गाना था जो बहन ने गाया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस द होल फैमिली, प्रभु हम सबके साथ। अब हम अपनी मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए भाई राकेश के साथ प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को एक धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ और प्रभु की सामर्थ्य के को प्राप्त करने के लिए, ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और भाई राकेश के साथ हम प्रार्थना करेंगे। ब्रदर राकेश, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम सब प्रार्थना में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ और अपना पूरा ध्यान खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की तरफ रखता हूँ। और प्रभु जी आपका सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंत, आज की शाम के समय के लिए प्रभु जी, आज की बंदगी के लिए खुदावंत यीशु मसीह आपका शुक्र गुजार हूँ परमेश्वर, और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज इस जिस्म में मैं जिंदा हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद हूँ। और होने दे परमेश्वर प्रभु जी, इसी तरह मैं खुदावंद आपके कलाम में बना रहूं, आपकी बंदगी में बना रहूं प्रभु जी। और खुदावंद होने दे परमेश्वर, जो समा आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस समय में प्रभु जी हम सब जन, जितने जन खुदावंद इस जूम मीटिंग के जरिए इकट्ठे हुए हैं खुदा, और मेरा ईमान विश्वास है खुदा, हम खुद इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी जगह, किसी भी शटर के नीचे, किसी छत के नीचे। खुदावंद आप ही हमें इकट्ठे करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, और बादशाहों के बादशाह जलाली खुदा हैं परमेश्वर। जब आपका अनुग्रह किसी इंसान पे होता है परमेश्वर, तभी वो आपकी ओर बढ़ता है परमेश्वर जी। खुदावंद यीशु मसीह, मैं हर समय आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका कलाम कहता है जब भी उसकी हजूरी में आए, उसके फाटकों के अंदर आए, सबसे पहले आप धन्यवाद करें प्रभु जी सब चीजों के लिए, सब आशीषों, सब बरकतों के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ तमाम बरकतों के लिए प्रभु जी, आशीषों के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रभु जी। और बीते समयों में प्रभु जी आपने हमारे जिंदगी में बहुत सारे अद्भुत और महान कार्य किए हैं प्रभु जी, मैं उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जिन भाइयों को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं खुदावंद, भाई इमैनुअल को प्रभु जी, जो आपकी सेवा प्रभु जी मन रूह सच्चाई से करते हैं प्रभु जी, उनको आपके पाक हाथों में, आपके पाक लहू में दे रहा हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी भाई जसविंदर को, जो आपके सेवक हैं प्रभु जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रभु जी पूरी ईमानदारी के साथ आपके वचन का प्रचार किया है, आपकी सेवका सेवकाई की है प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आपके पाक हाथों में देता हूँ परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, इनको प्रभु जी आप दोनों भाइयों को छुए पवित्र आत्मा के जरिए, और जो भी वचन प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है खुदा, इनके जरिए प्रभु जी आप हमसे शेयर करें प्रभु जी। और होने दे प्रभु, जब भी आप वचन देते हैं खुदा, हमारी उन्नति के लिए, उद्धार के लिए देते हैं, जो हमारी कमी पेशियां होती हैं प्रभु जी, और प्रभु जी अपने वचन के जरिए हमें सही करते हैं, और वो ताकत वो सामर्थ्य देते हैं प्रभु जी, और जिससे प्रभु जी हम आपके राज्य में बढ़ते हैं खुदा। और परमेश्वर प्रभु जी आप विश्वासियों के जीवन में ऐसे अद्भुत महान कार्य करते हैं चिन्हों चमत्कारों के जरिए, जिससे हमारी प्रभु जी विश्वास में बढ़ोतरी होती है, बल शक्ति और ताकत मिलती है प्रभु जी, जिससे हम आपकी आमद की वेट में परमेश्वर निरंतर बने रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, मैं फिर से हर चीजों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावंद प्रभु जी, और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इस मीटिंग में जितने जन जुड़े हुए हैं सबके लिए आशीषें और बरकतों को मांगता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, अगर कोई इस मीटिंग के जरिए कोई बीमार है खुदावंद, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, आपका पवित्र आत्मा में प्रभु जी आप उन भाई बहन को जो भी बीमार है खुदावंद छुए और तंदुरुस्ती दे खुदा। और प्रभु जी जितने जन प्रभु जी अपनी आंखें बंद करके खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप सभी के प्रार्थना को जानते हैं खुदा,
और खुदावंद आप दिल हृदय गुर्दों को जांचने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदा, और ये सारी तमाम मीटिंग को खुदावंद आपके हवाले कर रहा हूँ खुदावंद। ये छोटी प्रार्थना आपके पाक नाम में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर राकेश एक अच्छी प्रार्थना के लिए, और इस प्रार्थना के द्वारा हमने इस मीटिंग को और प्रभु के हवाले किया कि हम उसके वचन से सुन सकें, उसके वचन पर विश्वास कर सकें और उसके वचन पर चलने वाले बन सकें। और सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना की गई जो कमजोरी में है या बीमारी में है, जिनके साथ कोई दुख और तकलीफ है, प्रभु उन सबको बहुत बहुत आशीष देवे। और प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं कि प्रभु ने ऐसा होने दिया कि हम सब इस समय इकट्ठे हो सकते हैं। वी थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। और मैं सोचता हूँ कि आज तकरीबन इस मीटिंग में सारे लोग तो जो जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से तो सारे हिंदी समझ सकते हैं, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि शायद क्योंकि जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं वो जो सिस्टर रिप्सिम आज का मैसेज आया था वो नहीं आ सकेंगी, और सिस्टर और ब्रदर वरुजेन भी और सिस्टर मेरी भी मेरियन भी नहीं है, पर ये उनके बेनिफिट के लिए हम फिर भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन में चलेंगे, जिससे कि जब रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंचेगी तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ब्रदर जसविंदर ठीक है ये आइडिया? हाँ जी ठीक है ब्रदर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है हाँ जी, हालांकि सारे हिंदी समझ सकते हैं, पर फिर भी मतलब है कि डेढ़ दो चार नहीं है कि उन्होंने वास्ते, क्योंकि ऐसी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पाने हैं तो उन्होंने पूरा विद ट्रांसलेशन चला जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस मीटिंग वंस अगेन, एंड ब्रदर कैन ट्रांसलेट नाउ। सो द ग्रीटिंग्स टू ऑल ब्रदर सिस्टर्स इन जीसस होली नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को हम सलाम कहते हैं और इस मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। I personally thank God and thank for the prayer of every brother and sister that I am able to come back to London. मैं प्रभु का two days ago. प्रभु का धन्यवाद करता हूं आप सभी भाई बहनों का भी कि आपने दुआएं की, प्रार्थनाएं की और मैं सही सलामत लंदन पहुंच गया। God is very kind. And when we ask anything by faith in His name, He provides us. प्रभु बहुत दयालु है, दयावान है। जब हम विश्वास के साथ प्रभु को से मांगते हैं, प्रभु हमें जरूर देता है। Every day, Lord does wonderful, miraculous things in our life. और हर रोज प्रभु परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है हमारे जीवनों में। We are alive now. This is also a miracle. और अब जो हम जीवित हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रभु का एक चमत्कार है हमारे जीवन में। We got up in the morning, since morning, and we spoke to the people. We spent some time in worship, and we spoke to our dear ones. This is a miracle. और हम सुबह उठते हैं और अपने अजीजों से, भाई बहनों से बात करते हैं, और ये भी प्रभु का चमत्कार है। We know that one day we have to leave this world and go to the Lord. This is what we are hoping and believing. हम जानते हैं और इस पर हम विश्वास भी रखते हैं कि एक दिन हमने ये संसार छोड़ के प्रभु के पास जाना है। But at the same time, God will call us only when our time is done on this earth. लेकिन प्रभु परमेश्वर जब हमें बुलाएगा तो हम काम, जब हमारा कार्य खत्म हो जाएगा तो हमें बुला लेगा वो। We all have to go out from this sinful world. और हम सभी जो इस पाप भरे संसार में रह रहे हैं, चल रहे हैं। This earth today is under curse. और ये सारा संसार इस वक्त पाप में है। And we are also living in curse around us. और हम खुद भी इस पाप भरे संसार में जो हमारे चारों तरफ है उसमें हम रह रहे हैं। That is why we have to be very careful that how we behave, what we believe, and how we carry our life in this world. इसीलिए हमारे लिए और ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपना ख्याल रखें कि हमने कैसे रहना है, चलना फिरना है, सोचना है, बोलना है। But we cannot do it by our own effort, by our own strength. लेकिन
इतना इतना ज़्यादा हम केयरफुल हम अपनी खुद की कोशिश से नहीं हो सकते, हमें मदद चाहिए। वी कैन नॉट डू एनी गुड। और हम खुद से इतना केयरफुल नहीं रह सकते, अच्छे नहीं रह सकते। वी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड वर्क्स। और ना ही हम अपने तरफ से सारे काम अच्छे कर सकते हैं, बिकॉज़ आवर नेचर इज इन सिन। क्योंकि स्वभाव जो हमारा नेचर है उसी में पाप है। एंड दिस सिन कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और ये जो स्वभाव में पाप है जो हमारे, इसको एक ही तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, और वो है परमेश्वर का वचन। वी नीड टू बी बोर्न बाय आवर न्यू बर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड, 1 पीटर 1:23। और हम उसके लिए हमें फिर से दोबारा जन्म लेना होगा शुद्ध तरीके से, और जिस तरह पहला पत्र 1:23 में है। एंड वी ऑल मस्ट गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस। और हम सभी को फिर से इस तजर्बे से गुजरना है। Bible says only those who have gone through this experience will see the kingdom of heaven, will enter the heaven. और बाइबल कहती है कि जो भी इस तजर्बे से गुजरे हैं वो ही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। And we know ourselves. If we look in our life, we know whether we have got this experience or not. और हम सब अगर अपने जीवनों में देखें तो हमें पता है कि इस चीज का हमें तजर्बा है या नहीं। Bible says in 1 John chapter 5 and verse 13, Jesus said to John, and John wrote down that you will know that you have eternal life. और हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने पहला योहन्ना जो 5 की हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा है कि तुम उसको जानोगे और उसमें हमेशा का जीवन है। You will know that you have eternal life. You will be sure that you have received eternal life. और तुम जानोगे और तुम्हें पता होगा कि अनंत जीवन है उसमें। Those who have eternal life, they know that they have eternal life. वो जिनके पास वो अनंत जीवन है, उन्हें पता है कि उनके पास है। Those who are in doubt, that means they are not sure if they have received the eternal life. और जिन्हें शक है तो इसका मतलब उनमें कुछ गड़बड़ है कि उन्हें यकीन ही नहीं है। Jesus died for all, प्रभु सबके लिए कुर्बान हुआ, but Jesus knows that all will not receive eternal life. लेकिन प्रभु जानता है कि सभी वो अनंत जीवन नहीं पा सकेंगे। Because Bible says the many have been called, but very few are chosen. क्योंकि बाइबल बताती है बुलाए बहुत हुए हैं पर चुने हुए कम हैं। Everybody wants to go to heaven, everybody hopes to go to heaven, but everybody will not go to heaven. हर कोई ये उम्मीद रखता है, आस रखता है कि वो रैप्चर में जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, लेकिन हर कोई नहीं जाएगा। And what will stop them from going to heaven? अब कौन है जो उन्हें रोकेगा? And who will permit them, who will allow them to go to heaven? और उनको कौन अधिकार देगा जाने का? There is only one thing, there is only one way, that is Lord Jesus Christ. और एक ही रास्ता है, द्वार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। Jesus said, the words which I have spoken, they have eternal life. प्रभु ने कहा, जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो अनंत जीवन का है। So if we want to have eternal life, we have to stay with the word of God. और हमने अगर अनंत जीवन पाना है, तो हमें उस वचन में बने रहना है। To be in the word of God is to be in God. वचन में बने रहना, प्रभु में बने रहना है। This is very, very important to understand, dear brothers and sisters. भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। Just to say I believe in Jesus Christ is not enough. सिर्फ ये कह देना कि मैं ईमान रखता हूँ काफी नहीं है। Just to say that I attend the church service is not enough. कह देना कि मैं तो चर्च जाता हूँ, ये भी काफी नहीं है। Just to say that I do a nice worship is not enough. मैं भक्ति करता हूँ, उपासना करता हूँ, ये भी काफी नहीं है। These things we must do. These are good. ये सब हमें करना है, ये जरूरी है। But there is more than this. पर इससे भी एक और कुछ महत्वपूर्ण है। Our sinful nature must change. हमारे बुरे ख्याल, बुरा स्वभाव, वो हमें बदलना है, खत्म करना है।
आवर नेचर टू कमिट सिन मस्ट चेंज। जो हमारे स्वभाव में ही पाप है उसे बदलना है। When we are naturally born from our father and mother, from a baby to a grown-up person, we are not pure, we are in sin. जब हम अपने संसारिक माता पिता से संसार में जन्म लेते हैं तो हम पाप में, पाप के स्वभाव में जन्म लेते हैं। Because our father and mother have been in sin. क्योंकि हमारे माँ बाप भी जो हैं, वो भी इसी शरीर में हैं, पाप में के शरीर में हैं। The many many generations before their forefathers were also in sin. और हमारे आग पिछले पुश्तों में जो हमारे बुजुर्ग भी रहे हैं, वो भी सभी पाप में ही जन्म लिया है। We could not correct ourselves. We could not purify ourselves. हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। So God made a plan for our purification. इसीलिए परमेश्वर ने एक महान योजना बनाई हमें शुद्ध करने की। When God made man and woman, God knew they will fall. जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, वो जानता था कि ये गिरेगा। And God prepared the plan of their salvation before God created them. इससे पहले प्रभु ने बना था, प्रभु ने एक महान योजना बनाई उनको बचाने की। All those people, Bible says, all those people, everybody who is born in this world, they have gone astray, they have gone into sin, like the sheep going away. और हर एक मनुष्य जो इस संसार में जन्म लेता है, वो सब के सब पाप में ही रहते हैं, चलते हैं पाप में। So it is very, very important for us to be justified and sanctified, to be glorified. इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पापों का इकरार करें और उन्हें पापों को दूर करें, शुद्ध हों। Then only we can receive our full salvation and go to heaven. फिर तब जाकर हम पूरा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु के घर में जा सकते हैं। We are justified by the blood of Jesus Christ. और हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। Because our sins were taken away by him, and when we believed on his sacrifice, and we obey the commandments as he gave, then we are justified and our sins are washed away. क्योंकि उसके लहू के द्वारा उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप साफ हुए। और जब हम उस पर ईमान रखते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं, so when our sins are washed away, then we are justified. और जब हमारे गुनाह साफ हो गए तो हम बचाए जाते हैं। Justified means we will not suffer, we will not come to judgment for the sins which we committed. और justification का मतलब कि हम प्रभु के सामने अपना हिसाब नहीं देंगे, हमारे पाप माफ हो गए। Jesus said, God said that I will remember your sins no more. प्रभु ने कहा, अब मैं तुम्हारे पापों को ये नहीं रखूंगा। Justified means as if I never committed that sin. ऐसा justify का मतलब कि मैंने वो पाप अब नहीं किए, साफ हो गए, धोए गए। But this is not end of the chapter. This is not the end of the chapter. लेकिन यहाँ पर किस्सा खत्म नहीं हो जाता। The chapter starts again. यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। Although we are washed away, my sins are washed away when we obey, when I believe and repent and obey the commandment of the baptism, my sins are washed away. और जब मैंने कलाम सुना, उस पर ईमान लाया और हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, तो मेरे पाप धोए गए, मैं बचाया गया। But if I am still in this world, लेकिन अगर मैं अभी भी इस संसार में रहता हूँ, My nature of committing sin is still in me. लेकिन मेरे स्वभाव, जो पाप करने का मेरा स्वभाव है, वो अभी भी मेरे अंदर है। Only the sins I committed until that time are washed away. और जो मैंने पाप पिछले किए थे, वो उस वक्त तक के साफ हो गए मेरे। But what about the rest of my life in this world? पर उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में क्या? Bible says I must walk in the newness of life. हम बाइबल कहती है हमें एक नई सृष्टि है, नए जीवन पाया है, उसे मुताबिक चलना चाहिए।
Bible says in 1 Corinthians chapter 5 and 17 that those who are in Christ, they are new creature. और पहला कुरिन्थियों 5 में हम पढ़ते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है. Romans chapter 8 verse 1 says those if we are in Christ then there is no condemnation on us. Romans की किताब 8 का पहला अध्याय कहता है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. But how to be in the Christ? पर मसीह में हम कैसे होते हैं? Simply saying I believe in Jesus as my savior, I believe Jesus as son of God, this is not enough. सिर्फ हम अगर ये कहें कि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाता हूँ, रखता हूँ, परंतु ये काफी नहीं है. Bible says there is much more to this. बाइबल कहता है हमें इससे और भी कुछ और भी करना है. If we read 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. अगर हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 30 आयत पढ़ें. 13th verse. 13th verse. जब हम. It says, for by one spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made drink into one spirit. तो वो बताते हैं हम जितने भी हैं, चाहे यहूदी, चाहे अन्य जातियाँ, हम सब ने एक आत्मा में बपतिस्मा लिया है. And we all belong to one particular spirit. और हम एक ही आत्मा में जन्मे हैं. Brother Krishna, it will be good if you can kindly place those verses, the reference verses, on the chat message, please. Yes, brother. Yes, sure, brother. Sure, brother. God bless you. So, 1 Corinthians 12:13 says that in one spirit we were baptized into one body. पहला कुरिन्थियों 12 की 13 में लिखा, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब के सब एक ही आत्मा पिलाया गया है. आमीन. And Ephesians 4:4 says that there is one spirit, one faith, one baptism and one Lord. और इफिसियों 4:4 बताता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है. So this is the same spirit which is written in Ephesians 4. We are baptized into the same spirit. और ये वही है जो बता रहा है कि हम सब ने एक ही आत्मा में बपतिस्मा लिया है. And John 4:24 says God is spirit. और योना 4 में लिखा है कि परमेश्वर एक आत्मा है. And this is the same spirit in which we are baptized. और यही वो आत्मा है जिसमें हमने बपतिस्मा लिया है. And that spirit is God. और वो आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर है. And God is in his word. और परमेश्वर अपने वचन में है. So if we are baptized into one spirit, और अगर हम एक आत्मा में बपतिस्मा लिया है, that means we have drank and we have eaten the same word which God is. तो हम इसका अर्थ है कि हम सब के सब एक ही खाना, वचन खा रहे हैं. Our life as disciple of Christ, as follower of Christ, is not only matter for the physical thing. तो हमारा प्रभु और वचन ये कोई शारीरिक विषय नहीं है. We are talking about the spiritual subject. और हम ये जो बातें कर रहे हैं ये आत्मिक बातें हैं. The relationship that Jesus was talking to his father, God the Father, is spiritual. He is not only talking about physical relationship. प्रभु भी जो पिता से बात करता था वो कोई शारीरिक परमेश्वर या शारीरिक बातें नहीं थी, वो भी आत्मिक परमेश्वर था, आत्मिक बातें थी. He was saying in John chapter 17, if you have seen me, you have seen the Father. इसीलिए प्रभु ने 14 के साथ में बोला योना के कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा. The connection between the man Jesus Christ, the human being Jesus Christ, whose name is Jesus, his connection to God was spiritual. और जो
आता है कि मनुष्य का पुत्र, तो उसका अर्थ है कि उस परमेश्वर के साथ रिश्ता। Why that relationship happened? और ये रिश्ता कैसे बना, कैसे हुआ? Because that son called Jesus Christ, he was born of the Holy Ghost. क्योंकि जो पुत्र कहलाया वो परमेश्वर के वचन से पैदा हुआ। By the Holy Spirit he was born. वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। Mary received the word of God, Mariam, which had the power of the Holy Ghost. मरियम ने पवित्र आत्मा के मसा के द्वारा वचन ग्रहण किया। Then only the Son of God was born. इसी तरह परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ। That is how when we receive the word of God by the power of the Holy Ghost, then we become the children of God. इसी तरह जब हम पवित्र आत्मा पाकर प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं तो हम भी परमेश्वर के बच्चे बेटे बेटियां हो जाते हैं। Jesus Christ was the begotten son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। He was the first born of the Holy Ghost. और वो पहलौठा है जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। And if we are also born in the same manner, और अगर हम भी बिल्कुल उसी तरह पैदा होते हैं, then we are also the begotten sons and daughters of God. तो हम भी परमेश्वर के एकलौते पुत्र पुत्रियां हैं। By adoption, प्रभु ने हमें कबूल किया। We become लेपालक पुत्र and पुत्रियां of God. प्रभु ने हमें अपनाया। Yes, because we are not begotten, but we are adopted. क्योंकि हम एकलौते नहीं, प्रभु ने हमें अपनाया था। That is how we become the sons and daughters of Christ, but it happens through Jesus Christ. और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुत्र पुत्रियां बने। That is why when we do this, then God can be called, God will be called our Father, and we as the sons and daughters. और जब हम भी इसी तरह जन्म लेते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां कहता है। This can only happen through His begotten Son, Jesus Christ. और ये सिर्फ उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। When we are born of the Holy Spirit, then we are new creatures. और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, तब हम एक नई सृष्टि हैं। Our all activity of the human life is controlled by the Holy Spirit. हमारी सारी चाल चलन, हमारा सारा कार्य प्रभु के कंट्रोल में चला जाता है। Our thinking, our speech, our habits, everything is controlled and surrendered to the Holy Spirit. हमारा उठना बैठना, चाल चलन, हमारी सोच, हमारा बोलना पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होता है। If this is not happening, we are still living in sin. और अगर ऐसा नहीं है तो हम अभी भी पाप में चल रहे हैं। If our activities are not controlled by Holy Ghost, we are living a physical life, maybe a good life, maybe a moral life, maybe a happy life, but it is a worldly life. अगर हम ये संसारिक जीवन जी रहे हैं, संसारिक सुविधाओं, चाहे हमारे पास बहुत कुछ है, धन दौलत, पैसा है, लेकिन हम संसारिक जी रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में नहीं हैं। This will not allow us to go to heaven. तो फिर ये हमें स्वर्ग में नहीं जाने देगा। We know once we are justified, our sins are forgiven. हम जानते हैं कि जब एक बार हमारे पाप माफ हुए, then we become sinless at that point. But again, the nature of committing sin is still there. तब तक के लिए हमारे पाप तो माफ हो गए, लेकिन उसके बाद अगर हमारे फिर भी स्वभाव में पाप है, our nature remains the same unless we are sanctified. और हमारा स्वभाव वही है लगातार। Bible says, sanctify them by your word. Your word is the truth. और बाइबल में लिखा है कि इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। And we are sanctified by washing of the word of God, Ephesians 5:26. और जिस तरह इफिसियों 5 में लिखा है कि उसके वचन के जल के स्नान शुद्ध किए गए।
and we have to be born of the word of God to become a new creature, 1 Peter 1:23. और फिर हम उसके वचन के द्वारा हम एक नई सृष्टि है जैसा पहला पत्रस बताता है. We must examine ourselves. Have I gone through such experience in my life or not? हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम सचमुच इस तजर्बे के साथ चल रहे हैं? Sometimes we become very happy by the good testimonies of the people, by operations of some gifts in our life, in our church, in our families, and we are just very happy with that. कई बार हम गवाहियां सुनते हैं, अच्छा संदेश सुनते हैं, आज हम मुझे चमत्कार देखते हैं, तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. But that is not a guarantee of the salvation. परंतु ये कोई चिन्ह नहीं है कि हम बचाए हुए हैं. This is an anointing and a gift of the Holy Ghost which anybody can receive. ये तो पवित्र आत्मा के दान वरदान है जो कोई भी ले सकता है. Even a saved person can have the gifts, an unsaved person can also have the gifts. यहाँ तक कि बचाए हुए के पास भी ये दान हो सकते हैं, जो बचाया हुआ नहीं है उसके पास भी ये दान हो सकते हैं. Regarding this, Paul has written a lot in 1 Corinthians, beginning of the chapter 12. और यही बात जो है संत पुलुस ने पहला कुरिन्थियों 12 के शुरू से सारे अध्याय में बताई है. And same Paul in the 13th chapter of the same letter of 1 Corinthians, he is talking that whether these are prophecies and gifts and other miraculous activities, they will go away one day, they will finish. और यही बात जब 13 अध्याय में भी पढ़ते हैं तो कंटिन्यू बताते हुए वो कहता है पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. But what will not finish? परंतु क्या चीजें हैं जो खत्म नहीं होंगी? That is the love. वो कहता है प्रेम, प्रेम हमेशा रहेगा. Which type of love? परंतु कौन से प्रकार वाला, किस तरह का प्रेम? The love which is not of this world. इस संसार वाला नहीं. The love of this world will not take us to heaven. ये संसार वाला प्रेम नहीं हमें लेके जाएगा स्वर्ग. Maya moh and great attachment to our friends and relatives and things of this world will not take us to heaven. ये धन दौलत का प्रेम, ये रिश्ते नातों का प्रेम, ये नहीं हमें लेके जाएगा स्वर्ग. A great house, a great marriage, great grandchildren and great things and great health. These things may be the temporary blessings in our life, but they will all finish when we leave this world. अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे जीवन, अच्छी नौकरी, ये अच्छा है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाएगा. All the things we are make that make us very happy in this world, they will all finish when we finish our life on this earth. ये सब चीजें हमें इस संसार में खुश करती हैं, लेकिन ये साथ जाने वाली नहीं हैं. None of this will go with us. None of this will enter the heaven. Na hi inme se koi cheez dakhil hogi swarg mein. My children, my family, my wife, my husband will not enter heaven as my wife and my relation. Aur mere apne chahe bacche, mera jeevan saathi, ye swarg mein dakhil nahi honge is tarah. There is no relationships in heaven. Swarg mein rishtedariyan nahi hai. There is only one relationship, that God is our father and we are his children. This is the only relationship. Ek hi rishta hoga upar, Parmeshwar hamara pita hai aur hum uski santan hai. Whatever relationship we had in this world, this will finish and we only have a relationship of a brother and sister in like angels in the heaven. Jo bhi sansar mein hamare rishte nate hain, वो स्वर्ग में नहीं होंगे. जैसे हम स्वर्ग दूत हैं, वैसे ही हम होंगे. That is why we have to be very, very careful that how we must live our life in this world. इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हम इस संसार में कैसे अपना जीवन जी रहे हैं. When we are in this world, जब हम इस संसार में हैं, we are constantly attacked by the evil spirits. तो हम लगातार शैतानी दुष्ट आत्माओं के हमले झेलते हैं.
The more we try to get close to God, the more the evil spirits attack us. जितना हम प्रभु के करीब होते हैं, उतना दुष्ट आत्माएं हम पर हमला करती हैं। And Paul says, the more I become weak because of these things in life, I feel more strong in the Lord. लेकिन संत पुलुस कहता है कि जितना मैं कमजोर होता हूँ इन हमलों से, तभी तो मैं ताकतवर होता हूँ। My Lord is my perfect strength in my perfect weakness. वो कहता है परमेश्वर मेरी सामर्थ है। And when I feel very weak, I get close to God. और जितना कमजोर होता हूँ मैं उतना प्रभु के पास होता हूँ। This is the character of a believer. ये एक विश्वासी का स्वभाव है। At the same time, the character of the unbeliever is. और दूसरी तरफ अनविश्वासी का जो स्वभाव है, और the character of a make believer is, और जो नकली बने हुए विश्वासियों का स्वभाव है, when they feel weak, they become more weak because they don't go close to God. और जब वो कमजोर होते हैं, उन पर हमले होते हैं, वो उल्टा और कमजोर हो जाते हैं, और they are always focused on their problems. क्योंकि वो सिर्फ अपनी समस्याओं को देखते रहते हैं. They are focused only on the sickness and on the death and on the problems and all difficulties of this world. They are always focused, and because of that, they are remaining sad. इसीलिए वो हमेशा मुश्किलों, मुसीबतों, दुखों, तंगियों को ही देखते रहते हैं और फिर इसी तरह बर्बाद हो जाते हैं. Do we ever realize who is showing me these things? और कभी आपने ये महसूस किया कि ये कौन दिखाता है? This is the devil who is showing me all these things. ये शैतान होता है जो ये सब चीजें दिखा रहा होता है. शैतान, the devil puts allegations against us. He condemns us. He tells us, you are a sinner. You can never become a good person. और शैतान हमें हमेशा धिकारता है कि हम एक अच्छे विश्वासी नहीं हैं, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. He will teach us how to become a good person by some management gurus, by some university degrees, by some other meditation methods and some other teachings of the world. और संसारिक धर्म गुरुओं से, शिक्षकों से समझाने की कोशिश करता है कि हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं. But this is nowhere said in the word of God. लेकिन वो उनमें से कुछ भी परमेश्वर के वचन में वैसा नहीं पाया जाता. Bible says no good works any man can do. बाइबल साफ साफ बताती है किसी मनुष्य के पास अच्छे कार्य नहीं, कर्म नहीं है. We can only do it by the power of the Holy Ghost. हम तो वो अच्छे कार्य सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से ही कर सकते हैं. The old law could not save us. पुराना नियम हमें बचा नहीं सकता. The old law could only show us our guilt and our sins. और पुराना नियम तो सिर्फ हमारे गुनाहों को बताता है. But the New Testament brought the grace. लेकिन नए नियम के द्वारा अनुग्रह आता है. Bible tells us. बाइबल बताती है. That we are saved by grace by faith. बाइबल बताती है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से हम बचाए गए. Some people read only half verse and neglect half the verse. कुछ लोग आधा कलाम पढ़ते हैं, आधा छोड़ देते हैं. They only say, okay, we are saved by grace. वो कहते हो हम तो अनुग्रह के द्वारा बस बचाए गए हुए हैं. But what about the full verse? लेकिन पूरा कलाम नहीं पढ़ेंगे. The verse says we are saved by grace by faith. वहाँ कलाम में लिखा है कि हम अनुग्रह के द्वारा विश्वास से बचाए गए हैं. I will receive the grace depending on my faith. मेरा अनुग्रह जो है वो मेरे विश्वास पर निर्भर है. We cannot even believe. हम तो विश्वास भी नहीं कर सकते थे. We are not fit to believe. हम तो विश्वास करने के लायक भी नहीं थे. Because the devil tells us, don't believe. क्योंकि शैतान हमें बार बार कहता था विश्वास ना करो. Devil says, if you believe, you will receive grace. शैतान जानता था अगर विश्वास करेंगे तो अनुग्रह पाएंगे. And when we receive grace, we will be saved. जब हमने अनुग्रह पा लिया तो हम बचाएंगे.
तो डेविल डज नॉट वांट अस टू बिलीव, तो शैतान नहीं चाहता था कि हम विश्वास करें। सो व्हाट विल डेविल डू, तो शैतान ने क्या किया? डेविल इज शोइंग अस कांस्टेंटली एवरी डे दैट वी आर यूजलेस पीपल। शैतान हर रोज हर समय यही बताता रहा कि हम बेकार हैं, हम किसी कार्य के नहीं हैं। एंड वी कैन नेवर गेट क्लोज टू गॉड, हम तो परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते। जीसस सेड इफ यू वांट टू कम टू मी यू हैव टू डू माय कमांडमेंट, और प्रभु यीशु ने कहा तुम में से कोई भी मेरे पास आना चाहता है तो मेरे वचनों पर चले। He said, "No one can come to Father except by me, through me." कोई भी मेरे पिता के पास नहीं जा सकता बिना मेरे द्वारा। He is the way. वो रास्ता है। He is eternal life. He is the truth. वो अनंत जीवन है, वो सत्य है। He is the water of life. वो जीवन का जल है। He is the bread that came from heaven. वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। If we eat this bread and drink this water, we go to heaven. अगर हम ये रोटी खाते हैं, ये पानी पीते हैं, तो हम स्वर्ग जाएंगे। And this is the word of God. ये प्रभु का वचन है। If we go through word of God, we go to heaven. अगर हम वचन के द्वारा चलेंगे, हम प्रभु के घर जाएंगे। So devil wants to keep us away from the word of God. शैतान हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। He says, just believe the word of God like I believe, the devil also believe the word of God, but he will not do the commandments given in the word of God. शैतान कहता है कि जैसा मैं वचन पर विश्वास रखता हूँ तुम भी रखो, जैसा मैं रखता हूँ कि एक परमेश्वर है तुम भी रखो, पर उस पर चलो ना। There are many false teachings, many false preachers and teachers and prophets and evangelists working in this world on behalf of devil. और इसीलिए संसार में बहुत सारे सेवकगण देखेंगे जो शैतान की ही इच्छाओं पर चल रहे हैं। And their preaching is very attractive. और उनका प्रचार करने का तरीका बड़ा लुभावने वाला होता है। They have big churches, big pulpits and big congregations and big Bible in their hand. और उनके पास देखें बड़े बड़े सेमिनार, बड़ी बड़ी भीड़ें, बड़ी दुनिया है उनके पास। But behind that is a piece of doubt which devil always creates. और परंतु उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो वो शैतान ही है उनके पीछे। There is a mixing in their teaching. और उनकी तालीम शिक्षाओं में इतनी मिलावट है। If you show them a verse which is true from the word of God, then they will try to twist that verse and give you a different meaning. अगर आप उन्हें पवित्र बाइबल में से वचन दिखाएं तो वो बड़ी चलाकी से उसे घुमा देंगे और उसका गलत अर्थ दिखाएंगे आपको। This is the same spirit which was there in the Garden of Eden is still working today. ये वही बुरा आत्मा है जो बाग अदन में था जब वो उसने प्रभु के वचन को घुमाया। He came and beguiled and deceived that woman. वो देखिए किस तरह उसने हवा को आके बहकाया। And today it is also beguiling every human being in this world. और आज भी देखिए वो ही दुष्ट आत्मा हर किसी को बहका रहा है। So the one who was the wife of the first Adam, और जो पहले आदम की पत्नी थी, she had a fall in sin. वो पाप में गिर गई। But on the contrary, और लेकिन दूसरी तरफ, the wife of the second Adam cannot fall in sin. दूसरे आदम की पत्नी पाप में नहीं गिरेगी। Because she is the part of him. क्योंकि वो उसका हिस्सा है। This is the difference between the first Adam and the second Adam. यही अंतर है पहले आदम और दूसरे आदम में। First Adam was also created in the image of God, but he fell in sin because of his wife. पहला आदम परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाया गया था, लेकिन अपनी पत्नी के कारण वो गिर गया।
But the second Adam, which is our Lord Jesus Christ, our Savior, he has his wife, that is his bride. अब दूसरा आदम जो कि प्रभु यीशु मसीह हुआ, अब उसकी भी पत्नी है. And he is so powerful because he is the begotten Son of God by the Holy Ghost that any his wife cannot be deceived. लेकिन वो जो है बहुत शक्तिशाली है, जो मिट्टी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, और उसकी पत्नी भी उसी में से निकली है, वो भी पावरफुल है. And his wife is also, the bride is also born in the same manner like Jesus was born. और उसकी पत्नी भी बिल्कुल वैसे ही पैदा हुई जैसा प्रभु पैदा हुआ. Because her sinful nature also changes because of the new birth by the word of God. और उसके भी जो स्वभाव जो पैदा हुए वो वचन के द्वारा पैदा हुए हैं. That is why it is very important, brothers and sisters, we must have the experience of the new birth. इसीलिए भाई और बहनों, हमारे लिए ये लाजमी है कि हम सबका तजर्बा होना चाहिए नए जीवन के साथ. We all should have a testimony in our life. We should know the timing, we should know the day, we should know the date, the day I received the experience of the new birth. इसीलिए हमें वो दिन, हमें वो समय पता होना चाहिए जब हमने नया जन्म पाया. We all remember our date of birth and we celebrate our birthdays every year. हम हर साल अपना संसारिक जन्म मनाते हैं, याद रखते हैं. And our friends and parents and relatives are very happy and we celebrate in a big party. और हमारे परिवार रिश्ते नाते बड़े खुश होते हैं, पार्टियां करते हैं, मनाते हैं उसे. But how many of us remember the day of our new birth? लेकिन हम में से कितने याद रखते हैं जब हमने आत्मिक नया जन्म पाया? We will only remember if we have been born again. हम तभी याद रखते हैं अगर हम दोबारा पैदा हुए होंगे. If we have not been born again, then we don't know the date. अगर हम पैदा ही नहीं हुए दोबारा, हम याद कैसे रखेंगे? We are only living in the physical birth. हम तो इस संसारिक जन्म में जन्मे हैं. Every child of God has an experience in their life, a day of testimony in their life, how God spoke to them and they were born again. हर एक जो परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर से जन्मा है, उसको तजर्बा है कि प्रभु ने उसे कब जन्माया, कैसे जन्माया. If we don't have this experience, we must pray for it sincerely. अगर हमारा अभी तक ऐसा तजर्बा नहीं है, तो हमें बड़े ही सिंसियर होकर, सीरियस होकर परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी है. We have to cry out to Lord by prayer and fasting that Lord, I want to be born again by your word. So Lord, help me, have mercy upon me, give your grace to me. हमें प्रभु के आगे रोजे रखने हैं, प्रभु के आगे चिल्लाना है, रोना है कि प्रभु मुझे नए जन्म का तजर्बा दे. Here I'm not talking about those fasting which people do before Good Friday. मैं उस रोजों की बात नहीं कर रहा जो लोग गुड फ्राइडे से पहले रखते हैं. Those teachings and those traditions are traditions of men. और जो ये रीति रिवाज है, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं. Celebrating a Good Friday is not a commandment. It's not a tradition of the Bible. और गुड फ्राइडे ये कोई परमेश्वर के वचन का नियम कानून नहीं है कोई. Jesus Christ never said that you celebrate that Friday, one Friday every year and one Sunday every year for my resurrection and for my death. Jesus never said that and disciples never did that practice. प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, ना उसके बाद चेलों ने कभी कहा कि हर साल आप गुड फ्राइडे मनाएं और ईस्टर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, उसका जन्मदिन, उसका क्रूस पर चढ़ना, जी उठना हर साल मनाएं. We don't celebrate the death of Jesus Christ by these fastings. और हम यीशु मसीह की इस मौत को कोई रोजे रखकर नहीं याद करते या मनाते. We celebrate and remember the
death of our Lord Jesus Christ by the Lord's Supper. हम तो प्रभु भोज के द्वारा उसकी मौत को याद करते हैं. And when we are born again Christian, और जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, then Jesus Christ is resurrected in our life. तब यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्म लेता है. Jesus Christ is living today. He is not dead. और वो कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है. But the traditions of this Christian world, they make him die every year on Good Friday, and after 2 days they make him resurrect again on Easter. लेकिन जो रीति रिवाजों वाले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को हर साल जन्माते हैं, सलीब पर चढ़ाते हैं और जिंदा करते हैं. And they do it very seriously. और वो इसे बड़ा ही सीरियस होके करते हैं. देखिए, they will even do the fasting for so many days, and they will, some churches they will wear even black clothes on Friday and white clothes or good clothes on Sunday. और वो तो इसे मनाते हैं यहाँ तक कि वो काले कपड़े भी अलग से पहनते हैं रविवार को. Can we believe how much we are away from the true teaching? और क्या हमें ये एहसास है कि हम सच्ची शिक्षा से कितने दूर हैं? We thank God that we come out of it. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें उनमें से निकाला. Most of us, including me, we were in this teaching before. और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्हीं शिक्षाओं में थे पहले. Even worse than this. वो बल्कि इससे भी बेकार शिक्षाओं में थे हम बहुत सारे. But because God has chosen us before the foundation of the world. लेकिन प्रभु ने हमें इस जगत को, सृष्टि को रचने से पहले ही चुना. And he knows who we are. और वो ये भी जानता था कि हम कौन हैं. He says, I know my sheep because they hear my voice. क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं तो अपनी भेड़ों को जानता हूँ, वो मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं. I know them by name. मैं उनको नाम से जानता हूँ. Dear brothers and sisters, we all have a spiritual name. भाई और बहनों, हम सब के पास एक आत्मिक नाम है. We all have a name that Lord knows. और हम सब का एक नाम है जो प्रभु जानता है. Even when we are in the grave and on the day of the rapture, he will call us by that name. और जब देखिए वो, pardon brother? When he comes on the day of the rapture, he will call us by that name. और जब वो रैप्चर का दिन आएगा, तो वह हमें हमारे नामों से बुलाएगा. And we will come out of the graves hearing that voice. और कब्रों में जो है वो निकल आएंगे. And those who will be living, their names will also be called while they are living, and they will change. और जो जिंदा हैं, वो भी बदल जाएंगे. प्रभु उनको भी नामों से बुलाएगा. This calling on the day of the rapture will be heard only by the bride. Nobody else will hear this voice. और ये आवाज तो वही सुनेंगे जिनका रैप्चर होगा, कोई दूसरा नहीं. These people will be suddenly missing from the world. और ये बाकी लोग एकदम से इसे मिस कर जाएंगे. All the graves will not be opened. Only some graves will be opened. सारी कब्रें नहीं खुलेंगी, लेकिन कुछ कब्रें खुलेंगी. And those who will resurrect and those who will change, they will meet the Lord in the air. और जो बदल जाएंगे, वो बादलों पर प्रभु को मिलेंगे. They will not be visible to anybody in this world. और वो फिर इस संसार में किसी को दिखाई नहीं देंगे. Some people have made a theory that they will be visible for 40 days with their relatives before they are resurrected. कुछ लोगों ने ये गलत शिक्षाएं बनाई हैं कि वो 40 दिन तक नजर आएंगे. They are trying to connect it with the happenings of that time when Jesus Christ arose and there were people who arose after him. उन्होंने इसको वहां जोड़ दिया जैसा प्रभु 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, दिखाई दिया. This time Jesus is not going to show himself for 40 days on the earth. लेकिन इस बार प्रभु 40 दिन नहीं अपने आप को प्रकट. He is not coming on the earth. ना ही वो इस जमीन पे आ रहा है. He is going to meet his people in the clouds. वो तो अपने दुल्हन को बादलों पर मिलेगा. He is not coming down. The people will go up.
वो नीचे नहीं आ रहा बल्कि उसकी लोग दुल्हन ऊपर जा रही है। He will come with his bride only for his 1000 year reign after seven years. वो तो तभी आएगा अपनी दुल्हन के साथ इस संसार में वापस जब 1000 साल राज्य हो करने के लिए। So this we have to be very careful on these teachings, brothers and sisters. भाइयों और बहनों हमने बड़ा सावधान रहना है। We all think this is a good news that we must go in rapture. This is a good news. ये अच्छी खबर है कि हम रैप्चर में जाएंगे। But the good news, does it apply to me? लेकिन क्या ये अच्छी खबर मेरे लिए है? Will I go in rapture? क्या मैं रैप्चर में जाऊंगा? It may be a good news. One of my brother, one of my sister goes. He is disappeared from this world. This is a good news. ओ मेरा कोई भाई बहन अगर जा रहा है नजर नहीं आएगा ये अच्छी खबर होगी। But if I am left behind, is it a good news? लेकिन अगर मैं रह गया यहाँ पर तो क्या ये अच्छी है खबर? This is the most sad news for me. और ये सबसे ज्यादा बुरी खबर होगी मेरे जीवन में। If suddenly we come to know just now, अगर अभी हम अचानक से ये जाने, and we come to know that rapture has taken place. और अगर हमें अभी पता चले कि रैप्चर हो गया, What will be our condition? तो हमारे हालात क्या 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 होंगे हमारे हालात? We cannot even describe what will be our condition. वो हालातों को तो हम अभी बयान भी नहीं कर पाएंगे। Bible says there will be weeping and gnashing of the teeth. बाइबल कहती है कि लोग दांत पीसेंगे। Because there all the doors and all the opportunities will close. क्योंकि सारे सु अफसर जो थे वो बंद हो गए। There will be only great tribulation ahead. बस आगे तो एक महाकलेश पड़ा है अब। That kind of tribulation has never happened in this world before. इससे पहले न कभी ऐसा महाकलेश आया न आगे। So we all pray for each other and we all are very serious about this matter. Lord, it should not happen to me. It should not happen to my dear one. इसीलिए हमें अपने लिए और अपने अजीजों के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ये हमारे साथ ना हो। We can only pray for others when we are alive. और हम तभी दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जब तक जिंदा हैं। We cannot pray for anybody. Who is passed away from this world. लेकिन अगर जो इस संसार से जो छोड़ गया हम उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। We cannot pray for their peace. हम उसकी शांति की प्रार्थना नहीं कर सकते। Their peace or no peace depends on God. ये तो प्रभु पर निर्भर है फिर। Because God knows what type of life they lived on this world. क्योंकि प्रभु जानता है कि उसने कैसा जीवन जिया इस संसार में। We should be worried while we are alive. हमें डरना है जब तक हम जीवित हैं। Today is the day of salvation. आज का दिन जो है वो उद्धार का दिन है। We cannot harden our heart while we hear his voice today. आज हम उसका शब्द सुने पर दिलों को सख्त ना करें। We are so blessed we can still have chance to hear and obey. हम बहुत आशीषित हैं कि अभी भी हमारे पास समय है। But we don't know how much time is left. लेकिन हम नहीं जानते कितना समय पड़ा है। All the newspapers, all the media is giving lot of stories every day. Already हर न्यूज़ चैनल खबरों अब भरी पड़ी हैं, देखिए। Sometimes we discuss those news in a very great manner every day with our friends and relatives. हम हर रोज उन खबरों की बातचीत करते हैं अपनों से, अजीजों से, दोस्तों we से। We say, oh, see what is happening in Israel, what is happening here, what is happening there. We discuss it every day. हम बात करते हैं कि इज़राइल में और संसार में क्या चल रहा है। But do we look back, standing in front of a mirror, and ask ourselves? What is going on in my life? लेकिन क्या हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है? If rapture happens this moment, what will Israel war or American war matter to me? अगर आज रैप्चर हो जाता है तो फिर मेरे लिए ये इज़राइल की युद्ध या अमेरिका का युद्ध क्या मायने रखेगा?
There is no event mentioned in the word of God which will happen just before the rapture. Na hi prabhu ke vachan mein bataya gaya hai ki rapture se pehle kya hona hai. So many events are mentioned after the rapture, but not a single event is mentioned before the rapture. Rapture ke baad bahut sari ghatnaein batayi hui hain, par rapture ke pehle ki ghatna nahi batayi. Because rapture is a silent event. क्योंकि जो रैप्चर होगा वो इतना चुपचाप गुप्त तरीके से हो जाएगा. People have made so many theories. लोगों ने बहुत सारी शिक्षाएं बना दी हैं. Some people say an agreement will be signed, then rapture will take place. Some people say that California will sink in the water, then rapture will take place. Some people say big earthquake will come, this will happen, that will happen. Bible does not say that. कुछ लोग कहते हैं जब साइन होंगे तब रैप्चर होगा, कुछ लोग कहते हैं कैलिफोर्निया जब पानी में डूबेगा तब रैप्चर होगा, कुछ लोग कहते हैं एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा तब रैप्चर होगा. बहुत सारी मेनी थिंग्स विल हैपन, मेनी थिंग्स आर रिटन इन द बाइबल दैट विल हैपन, वी नो दैट. और बहुत सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हैं जो होंगी, हम जानते हैं. But that will happen after the rapture, not before the rapture. लेकिन वो सारी रैप्चर के बाद होनी है, रैप्चर के पहले नहीं है. The New Testament church from the first century church, from the beginning, from the book of Acts, they were expecting rapture to take place that time. जबकि पहली कलीसिया की शुरुआत के समय से ही वो लोग रैप्चर का इंतजार कर रहे थे. When Paul was writing this letter to Corinth in the first century, he was talking about rapture. जब पौलुस कुरिन्थियों को पत्र लिखता है तो वो रैप्चर की बात करता है. He was not saying rapture will happen after 2000 years. उसने नहीं कहा कि रैप्चर आज से 2000 साल बाद होगा. So every believer, every Christian was ready for rapture for every time. और हर सदी में हर एक विश्वासी रैप्चर के लिए तैयार रहा. So we cannot connect rapture with any events. तो हम रैप्चर को किसी भी घटना के साथ नहीं जोड़ सकते. We must live to meet the Lord today. हमें आज ही तैयार रहना है प्रभु से मिलने के लिए. We cannot do it ourselves. और ये हम अपने आप नहीं कर सकते. We must be found faithful to God. हमें प्रभु के साथ ईमानदार पाए जाना है. Who are faithful to God? और कौन है प्रभु के साथ ईमानदार? Those who obey and live by His commandments and their actions, their fruits are their life is full of fruits of the Holy Ghost. जो प्रभु के साथ ईमानदार है और जिनके जीवनों में वो फल नजर आते हैं. Those who have been justified. और जिनके पाप साफ हुए. And those who are living the life of sanctification by the word of God. जो प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र जीवन जी रहे हैं. Only they will be glorified at the time of rapture. ओ रैप्चर के समय में सिर्फ वो ही उठाए जाएंगे. So let us live with this faith, with this hope, so that God will give His grace. And then we will be saved. इस आस और उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आप रहें, जिए और परमेश्वर. Again, please remember, we are not simply saved by grace. फिर से याद रखें कि हम सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा ही नहीं बचाए जाएंगे. Grace is only available to faithful believers. अनुग्रह तो सिर्फ उनके लिए उपलब्ध है जो सच्चे ईमानदार हैं. Because the grace will give us the sealing of the Holy Ghost. क्योंकि अनुग्रह जो है वो हमें पवित्र आत्मा की छाप देता है. And the sealing of the Holy Ghost is the evidence of our salvation. और पवित्र आत्मा की छाप जो है वो हमारे छुटकारे का चिन्ह है. These are the matters we need to be careful and seriously taking every day in our life, brothers and sisters. और हमें इस चीज को हर रोज बड़ी सीरियस संजीदगी से लेना है. We must practice this ourselves in our life and teach and preach and advise others around us. हर रोज हमें इसे शिक्षा को देना, लेना और इस पर चलना है. We should talk about it more and more than anything else. और हमें दूसरी चीजों से ज्यादा इसके विषय पर बात करना है. द
only event that a believer is waiting is the rapture, nothing else. अगर ईमानदार अगर किसी चीज का इंतजार कर रहा है तो वो सिर्फ रैप्चर है अब। All other things will continue or finish, but this is the thing which is eternal life. बाकी चीजें चलती रही हैं, चलती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन रैप्चर जो है वो सबसे बड़ा विषय है। Bride will not stay on earth after the rapture. और रैप्चर के बाद प्रभु की दुल्हन इस संसार में नहीं रहेगी। Bride will only come with the Lord Jesus Christ in the glorious body for 1,000-year reign. और जब 1,000 साल राज्य आएगा तो दुल्हन प्रभु के साथ उस महिमा वाले बदन में आएगी। The bride will never be found in this body in which we are today. और जो आज शरीर है उस वक्त दुल्हन का ये नहीं शरीर होगा। We will leave this body of curse. हम इस श्रापित शरीर को छोड़ देंगे। We will still have a body. हमारे पास अभी भी शरीर है। No, we will have a body. हमारे पास शरीर होगा। No, we will not become a ghost. हम कोई आत्मा नहीं बनेंगे। We will have a body like Jesus Christ had after his resurrection. जैसा प्रभु यीशु मसीह के जीवित उठने के बाद शरीर था, हमारे पास भी होगा। The body that can eat and drink and talk and move and have fellowship, we will have that body. Only thing, that body will not have sickness and death. हमारे पास शरीर होगा जो खा सकेगा, पी सकेगा, चल सकेगा, आराधना कर सकेगा, लेकिन उसमें कोई कमजोरी, बीमारी, कमी नहीं होगी। Will it not be a wonderful and blessed thing to have that body? कितना आशीषित है कि हमारे पास वो बदन होगा। But what a sad story is we are running around here and there today to save this body and don't worry about that body. लेकिन एक कितनी दुखद बात है कि हम इस शरीर का कितना ख्याल रखते हैं बल्कि उसके बारे में नहीं सोचते। As long as we are living here, we have to take care of the body God has given us. जब तक जीवित हैं, हमने इस शरीर का भी ख्याल रखना है। But this is not our sole responsibility. This is not the final hope. लेकिन ये कोई हमारा सबसे पहला विषय नहीं है। How sad it will be if my body is very good in this world, if my life is very good in this world, but my soul is lost. परंतु क्या होगा कि मैंने इस संसार में इस शरीर को तो बहुत अच्छा रखा, बड़ा बलवान बनाया, लेकिन मैंने मुक्ति खो दी, अपना सोल खो दिया। I would have lost everything. मैं तो फिर सब कुछ खो बैठा। So let us hope and pray for ourselves and for each other. इसलिए आइए हम विश्वास रखें, आस रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। So that may God grant us that life which is for all time. और ताकि प्रभु हमें वो जीवन दे जो हमेशा का हो। Not only for times. थोड़े समय का नहीं। But also when the time will be no more. जब कि समय और नहीं होगा। There will be no time, no calendar, no clock in eternal life. वहाँ पर कोई कैलेंडर नहीं होगा, कोई घड़ी नहीं होगी, कोई समय नहीं। In the beginning, the time started. शुरुआत से समय चल पड़ेगा। But before the new heaven, before the eternal life starts in the new heaven and new earth, there will be no time. जबकि नया जीवन शुरुआत होगा और नया आकाश, नया पृथ्वी, there will be no time. वहां कोई समय नहीं होगा। Like there was no time before the world began. जैसा पहले समय नहीं था जब संसार बनाया प्रभु ने। We will be from eternal life to eternal life. हम अनंत के अनंत अनंत के लिए होंगे। An eternal life does not start and does not finish. और अनंत जीवन का ना शुरुआत है ना आखिर है। So when there is no beginning and no end, there is no time. अब जा किसका जिसका शुरुआत नहीं, अंत नहीं, फिर उसका कोई समय नहीं। Time only applies when there is a present, past or future. समय वहां लागू होता है जहां आज है, कल है और बीता हुआ समय है। In eternal
eternal life this will not happen. अनंत काल में ये लागू नहीं होता. In eternal life everything is present tense. और अनंत जीवन में सब कुछ जो है वो मौजूदा होता है. No death, no suffering, no pain, no getting old. ना ही दुख, ना ही दर्द, ना तकलीफ कोई. But we must prepare for it now. पर हमें आज तैयार होना है. Not tomorrow, but from today. कल से नहीं, अभी से. Because we don't know if we by God's grace if we see tomorrow we thankful, but we don't know. God knows. पर हम नहीं जानते, अगर कल भी होगा तो हम प्रभु के लिए शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी होंगे. We should be ready every time. हमें हर वक्त तैयार रहना है. The Lord can come any moment. परमेश्वर कभी भी आ सकता है. When the Lord comes for his second coming in the time of 1000 year kingdom, then every eye will see him. Then all the incidents will tell us now it will happen. But for rapture, nothing is declared. जब प्रभु दोबारा आएगा तब हर आँख उसे देखेगी, परंतु अब नहीं, अभी नहीं, रैप्चर में नहीं. In the rapture, every eye will not see Jesus in the cloud. और रैप्चर के समय हर आँख उसे नहीं देखेगी, वो जब बादल. People will not see Jesus appearing in the cloud and people flying there. और लोग उसे नहीं देखेंगे जब वो बादलों पर होगा. This is not the scene of rapture. और ये रैप्चर का दृश्य नहीं होगा. People will be simply missing from this earth. और लोग जो है ये चीजों इस धरती पर मिस कर जाएंगे. They will be missing. They will not be found. वो मिलेंगे ही नहीं, दुल्हन मिलेगी नहीं. The whole evidence of rapture is Enoch. और ये हनोक की तरह ही होगा. Enoch is the rapture. हनोक रैप्चर है. He was missing. He was not found. वो मिला ही नहीं, अदृश्य हो गया, अलोप हो गया. Though the bride of Christ will be missing from the earth, they will not be found. प्रभु की दुल्हन भी जो है अलोप हो जाएगी. We don't know when this is going to happen. हम नहीं जानते ये कब होगा. It has not happened in last 2000 years. पिछले 2000 सालों से इंतजार कर रहे हैं. Believers have been waiting. विश्वासी इंतजार कर रहे हैं. But that does not mean that it will not happen. पर इसका अर्थ नहीं कि ये नहीं होगा. It will happen because this is word of God. ये होगा, ये प्रभु का वचन है. So we believe this will happen and we must prepare sincerely by prayer and with a good heart so that God give us the grace so that we should be found ready. हम इस पर विश्वास करते हैं और हमें संजीदगी से प्रभु के वचन में बने रहना है, तैयार रहना है. So may God grant his grace to us and may God help us to prepare ourselves for his return. प्रभु हम सबको अपना अनुग्रह दे, हम सभी को प्रभु तैयार रखे और हम सब तैयार हों. May God bless you all. प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे. This is the lesson the Holy Spirit granted us for today. आज जो पवित्र आत्मा ने हमें आज संदेश दिया वो प्रभु का शुक्र धन्यवाद हो. So we thank God for everything. प्रभु का हर चीज के लिए धन्यवाद. And then we thank by Jaswinder, brother Jaswinder, that God gave him the grace so that he could translate and record the meeting. प्रभु thank you brother Jaswinder. God bless you. Amen. God bless you too brother. God bless you, brother. Now this is the end of our meeting. We will close this meeting with a word of thanksgiving for all of us and to whom God has spoken through His word. And let us pray at this time with brother Krishna. Brother Vidar, we will pray and close this meeting with thanksgiving with brother Krishna. Amen. Thank you, brother. God bless you, brother. Aye. हम खुदाबंद खुदा के उजरे में सिरों को झुकाएं और धन्यवाद के साथ में उसके समीप जाएं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पवित्र, अति पवित्र परमपिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु. और धन्यवाद के साथ में इन प्यारे भाई बहनों के साथ में मैं आपके समीप आता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में, धन्यवाद की भेटी के साथ में. जी प्रभु, धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने प्रभु हमें
बीते दिनों में सुरक्षित साथ रखा प्रभु। हो प्रभु जैसा कि आज हमने हो प्रभु आपके दास के मुंह से हो प्रभु आपका पवित्र कलाम जो कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हो प्रभु प्रकाशन दे करके भाई ब्रदर हमारे प्यारे भाई आपका दास सेवक ब्रदर इमानुएल के मुंह में रख दिए थे प्रभु, जो कि आप स्वयं भाई के द्वारा होकर के आप प्रसारित हो गए प्रभु जी। प्रभु हो प्रभु आपने हमें हो प्रभु बनाने से पहले ही आपने एक योजना बनाई थी प्रभु, क्योंकि आपने जान लिए थे कि आदम के द्वारा वो श्राप आएगा, वो पाप में गिरेगा। हो प्रभु आपने उत्पत्ति के पहले जान लिए थे, इसीलिए आपने उसका हो प्रभु एक योजना बनाई। और दूसरा आदम को हो प्रभु आपने उसके द्वारा हो प्रभु हमारे उद्धार मुक्ति और सल्वेशन निकाला प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं इसके लिए जी। प्रभु आपने एकलौते पुत्र को हमें भेजा प्रभु हमारे उद्धार के लिए, क्योंकि आपने इस संसार को प्रेम किया प्रभु। हो प्रभु आपने हम सब से प्रेम किया प्रभु, हम जब गिरे हुए स्थिति में थे प्रभु उस समय आपने प्रेम किया प्रभु, और आपने एकलौते पुत्र को भेजा जिसके द्वारा हाँ प्रभु वो सतावट के द्वारा वो ताड़ना के द्वारा हमें शांति मिली प्रभु। हाँ प्रभु प्रभु यीशु ख्रिस्ट के लहू बहाने के द्वारा हम धूल गए प्रभु, शुद्ध हुए प्रभु। हाँ प्रभु उस लहू से जो कि वो कलवरी क्रूस में हाँ प्रभु बहाए लहू के द्वारा हम शुद्ध पवित्र हुए प्रभु, और हम शुद्ध पवित्र होकर के धूल करके जी प्रभु तीन दिन के बाद में बौरी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन हो प्रभु, उसके जी उठने के द्वारा ही हमने अनंत जीवन पाया प्रभु जी। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं, इस महान वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हो प्रभु हमें प्रकाशन दिया कि प्रभु हम धूल तो गए पर हमारा स्वभाव, क्योंकि हम अभी भी इस श्रापित धरती में है, जैसा कि आज आपने आपने वचन के द्वारा हमें बताया कि हम इस श्रापित धरती में है, इस श्रापित शरीर में है प्रभु, क्योंकि हम इस मिट्टी से बने हुए शरीर में है। जब तक हम महिमित देह नहीं पाते तब तक हम श्रापित देह में है, तो हमारा स्वभाव हमारा नेचर अभी गया नहीं, हमारा स्वभाव जो कि सिनफुल है पाप करने वाला हमारा स्वभाव है वो बना रहता है। इसीलिए हमें रोज ब रोज एपीसी 5:26 के अनुसार हमें रोज वचन के पानी से धूल करके हाँ प्रभु हर क्षण आप में बने रह करके जी प्रभु हम आपके आमद के हाँ प्रभु इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपने वचन में से ये भी दिखाया और आपने बताया कि प्रभु आपका आगमन जो कि रैप्चर के लिए आगमन है हाँ प्रभु वो किसी को भी आपने नहीं बताया हाँ प्रभु, क्योंकि वो आपने नहीं लिखा उसमें आपके शास्त्र में, पर उनके लिए ये जरूर आपने चिन्ह दिखाए और आपने ये समझ दिए कि प्रभु वो सोबर मन के होकर के एक चित्त होकर के प्रभु में लवलीन होकर के जी प्रभु और पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर के वचन से भरपूरी होकर के प्रकाशन से भरपूरी होकर के आपके प्रेम से भरपूरी होकर के जागा रहे हाँ प्रभु, जैसा कि मत्ती की पुस्तक में आपने उदाहरण दे चुके हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु मान हम सबके लिए आपने प्रकाशन दिए हैं कि प्रभु वो मत्ती की 25 की वाला हो प्रभु उदाहरण आपने दिए प्रभु। ओ प्रभु हम सबके लिए प्रभु जो कि उद्धार पाने वाले हैं जो कि रैप्चर में जाने वाले हैं उनके लिए कैसे घटना होगी ये आपने देखा चुके हैं प्रभु। हाँ प्रभु समय आपने नहीं दिखाया पर आप कैसे आ रहे हैं ये आपने दिखाया। हो प्रभु आपका आगमन प्रभु वैसे ही होगा हो प्रभु, उस समय जब बादल में आप आएंगे हो प्रभु जो तैयार पाए जाएंगे प्रभु उस 5 बुद्धिमती कुंवारी के समान हो प्रभु, वही बादलों में उठाए ले जाएंगे, बाकी तो वो इधर उधर ढूंढते फिरेंगे हो प्रभु, उनको सिर्फ पता चलेगा प्रभु आए हैं हो प्रभु के साथ में रैप्चर होकर के गए हैं उनको पता चलेगा, पर प्रभु जो तैयार नहीं है उनके लिए जैसा कि आपके दास ने वचन में कहा रोना और दाढ़ा कितना हो प्रभु दांत पीसना होगा उसके बाद में हालेलुया प्रभु, पर प्रभु आप तो जो तैयार है जो वचन से भरपूरी होकर के पवित्र आत्मा के प्रकाशन से भरपूरी होकर के आपके प्रेम से भरपूरी होकर के जी प्रभु आपके जैसा ही स्वभाव में भरपूरी होकर के जी प्रभु जैसा देह में का देह मिट्टी और हार्ड में का हार्ड होकर के जी प्रभु, क्योंकि आप स्वयं वचन है प्रभु उस वचन से भरपूरी वाले को लेने आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के भरपूरी वाले को लेने आ रहे हैं प्रभु।
जी प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका इस प्रकाशन के लिए, क्योंकि आपका वचन ही प्रकाश की पुस्तक कहता है कि प्रकाश के पुस्तक में जैसा कि लिखा है 22 में कि प्रभु वो धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धोते हैं और क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया प्रभु महान, क्योंकि वहां उस जीवन के फाटक के और जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए हमें शुद्ध होकर के पवित्र होकर के हाँ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना आवश्यक है प्रभु जी। प्रभु हमें सिखाएं प्रभु, सहायता मदद करें प्रभु। हाँ प्रभु हम निर्बल हैं प्रभु आपके सामर्थ्य से, जैसा कि आपके दास ने आपके वचन में कहा हो, पौलुस लिखता है जब हम कमजोर होते हैं तो हम जो आपके चुने हुए हैं वो आपके समीप आते हैं, नम्र विनम्र होकर के हाँ प्रभु आपके सामर्थ्य पाने के लिए आते हैं जी प्रभु। वैसे ही जैसा पौलुस लिखता है प्रभु हम भी हो प्रभु, जैसा पौलुस लिखता है हम भी नम्र विनम्र होकर के आपके समीप आते हैं प्रभु कि हमें भी भर दे प्रभु आपके सामर्थ्य से, जिससे कि हम नम्र विनम्र आज्ञाकारी होकर के आपके साथ में चल सके प्रभु, आपके हो प्रभु जीवित उपस्थिति में भय और कंपन के साथ में आपको भजते पूछते आपकी नाव को महिमा करते हुए जी प्रभु आपके साथ में चल सके, जैसा कि हो प्रभु आपका सेवक हो प्रभु चला हो। हालेलुया प्रभु महान, हमें सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस महान वचन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए हो प्रभु, जो जीवन है वो वचन आपने दिया प्रभु आपके दास के द्वारा। प्यारे भाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्यारे भाई के लिए आशीष मांगते हैं भाई इमानुएल को हो प्रभु, जो भाई को आपने सुरक्षित साथ और प्रभु यहाँ आकर के इंडिया से सुरक्षित साथ जाने में आपने सहायता मदद करी, अनुग्रह किया प्रभु। हाँ प्रभु भाई को आप अनुग्रह में रखें प्रभु, आपके आशीष के भरपूरी में रखें प्रभु, आपके प्रकाशन के वचन के प्रकाशन से भर दे के प्रभु वो आपके वचन को और ज्यादा से ज्यादा बांट सके और जो चुने हुए जन है आपके गले में भर सके प्रभु, सहायता मदद करें इस प्रकाशन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु और इस्तेमाल करें प्रभु भाई को। हाँ प्रभु प्यारे प्रभु महान धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके दास सेवक भाई जसविंदर जी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और भाई के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु कि प्यारे भाई को हाँ प्रभु आपने वो समझ हो प्रभु ट्रांसलेशन वाला हाँ प्रभु अनुवाद वाला वो हो प्रभु सामर्थ्य दिए प्रभु, जिस सामर्थ्य को आपने दिया वो सामर्थ्य को भाई ने इस्तेमाल किया प्रभु जी। प्रभु आपके सामर्थ्य के बिना नहीं संभव है प्रभु, मनुष्य के रीति संभव नहीं है प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा जब समझ खुलता है तब संभव है प्रभु जी। प्रभु भाई को हो प्रभु आपने एक सेवाकाई दे रखी है प्रभु, उस सेवाकाई को करने में आप सहायता मदद करना प्रभु, भाई के घराने को आशीष से भर देना प्रभु जी, प्रभु प्रकाशन से भर देना प्रभु जी, प्रभु भाई की जो भी जरूरत है प्रभु मैं नहीं जानता प्रभु, घटी कमी जो भी है वो आप जानते हैं, सब आशीष से भर देना प्रभु जी, प्रभु सहायता मदद कर रहा है। हालेलुया प्रभु, हम सब सुनने वाले को हाँ प्रभु जो हमने वचन सुना है प्रभु वो हो प्रभु कोई पक्षी आकर के हमसे चुरा के नहीं ले जा सके प्रभु, इसीलिए हमें वो हृदय की गहराई में रख देना प्रभु, जिससे कि हम उस सुने हुए वचन को मनन करके हाँ प्रभु उससे बहुत सारे फल लाने वाले सुने हुए वचन अनुसार चलने वाले हो सके, कि हम आपके आमद में हो प्रभु तैयार पाए जाने वाले हो सके, जैसा कि आपके दास ने अभी आपके वचन में कहा विश्वास तो हो दुष्ट शैतान भी करता है पर वो सुने हुए आज्ञा पर चलता नहीं, पर हम सुने हुए आज्ञा पर चलने वाले हो सके प्रभु, हमें सहायता मदद करना सामर्थ्य से भर देना प्रभु, सिखाना प्रभु आज। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद की इस कड़ी में प्रभु हर एक चीज के लिए जो कि आपने हमें बीते दिनों से आज का दिन तक हमें सुरक्षित साथ रखा प्रभु, अगर आपका आमद नजदीक है तो प्रभु हमें वो तैयारी वाला आत्मा बख्श दे के प्रभु हम तैयार पाए जा सके, वचन से भरपूरी होकर के हाँ प्रभु आपके साथ में उठा ले जाने योग्य हो सके, वो आत्मा हमें मसा कर दे सहायता मदद करे प्रभु जी। प्रभु विश्व भर में जो भी आपके दास सेवक है भाई बुजुर्ग प्यारे भाई इमानुएल फ्रैंक से लेकर के हाँ प्रभु हर एक दास को जी प्रभु जो आपके वचन को सीधाई और खराई में लिए फिरते हैं प्रभु हाँ प्रभु उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु सबको आशीष से भर देना प्रभु, सामर्थ्य से भर देना प्रभु। प्यारे भाई फ्रैंक को प्रभु जो बुजुर्ग है शरीर में
प्रभु पर सामर्थ्य देने वाले आप है प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी महिमा के लिए आपकी इच्छा अनुसार चलने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु, हम सबको जी प्रभु आपकी इच्छा पूरा करने की आपकी मर्जी पूरा करने वाले हो सके प्रभु, हमें सिखाना सहायता मदद करना, हर एक चीज में आपके नाम को महिमा हो प्रभु, हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरा हो प्रभु, जी प्रभु धन्यवाद करता हूँ, हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु, अगर कल का दिन हमारे लिए है तो प्रभु हम आपको ही महिमा कर सके प्रभु, हमारे आगामी कार्यक्रम जी प्रभु अगर आमद आपकी देरी है तो प्रभु हम सिर्फ आप में ही पाए जा सके, आपके वचन में बने रह सके प्रभु, आपकी आज्ञा में बने रह सके प्रभु, हमें सिखाना सहायता मदद कर, धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज के लिए, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ, आदर मान महिमा के योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र मीठी जलाली नाम, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, वी थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग एंड होप, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर मीटिंग फॉर टुडे, वी कैन ग्रीट विद थैंक्सगिविंग।